Representatives of the Rand Samaj community held a press conference at Charan Hotel, urging the government to recognize their rights and address concerns over inadequate support for the backward Muslim community, particularly the mandi traders. Among their key demands, they call for an insurgent system for mandi traders, a 4% reservation in higher education for Rand Samaj youth, special grants and legal protection against discrimination. Highlighting the community's reliance on fruit and vegetable vending for their livelihood, the Rand Samaj emphasized the need for employment, safeguards and financial support. They expressed grave concern over discriminatory incidents faced by vendors and requested that the government ensure their protection under a dedicated law. Additionally, they called for priority allotment of mandi shops to Rand Samaj members. The community also urged the government to introduce special legal protections similar to those provided for Dalits by amending Section 341 to safeguard the Rand Samaj from discrimination and marginalization. कि वो उनको हमें भी देखना चाहिए. आखिर इतने दिनों तक 70-75 साल हो गए राजनीति के, लेकिन पसमांदा समाज की बात की जाती है, लेकिन पसमांदा समाज की जो सबसे बड़ी कौम बिरादराने राइन है, उसको आगे क्यों नहीं बढ़ाया जाता? क्या उसमें काबिलियत की कमी है? क्या हम उसके हकदार नहीं हैं? क्या हमें अपने समाज के लिए सोचने का हक नहीं है? इसलिए हम लोग जो है इसको मुत्तहिद करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं. राइन बिरादरी ने लिखना शुरू कर दिया है, आने वाले वक्त में जो 3 नवंबर को जो हमारा रविंद्रालय में कार्यक्रम होने जा रहा है, ये यही कार्यक्रम इतिहाद पैदा करेगा कि अपनी कौम को आगे बढ़ाने के लिए, एकजुट करने के लिए, एक साथ एक मंच में लाने के लिए अपनी बिरादरी को. बड़ी तादाद में राइन बिरादरी है, इस राइन बिरादरी को एकजुट करने के लिए हम आज सब यहाँ पर इकट्ठा हुए. ये हमारा जो राइन बिरादरी का उत्तर प्रदेश जमीयत ऑल इंडिया जमीयत राइन जो है, ये 125 साल पुरानी हमारी संस्था है. इसमें हमारे बुजुर्ग लोगों ने बहुत काम किया, हमारे जो दुनिया में नहीं हूँ सब लोगों ने बहुत काम किया, उसी को हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और राइन बिरादरी को एक मंच पे, एक साथ, एक जगह पे लाने का काम कर रहे हैं. 2027 का चुनाव करीब है, क्या राइन किसकी तरफ भागेगा, किसकी तरफ रुकेगा? नहीं, हम समाज को एकजुट करके फिर अपने समाज को जब एक साथ होंगे तब हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है. अभी तो हम अपने समाज को एकजुट करने की बात कर रहे हैं. किसी से भागीदारी की बात हो रही है आपसे भी? अभी हमारी किसी से कोई भागीदारी की बात नहीं है. पहले अपने समाज को एकजुट करना है, एक मंच पे लाना, एक साथ लाना, राइन एकता एक साथ को खड़ा करना है. माशाल्लाह हमारे कार्यक्रम में हिंदुस्तान से भी काफ़ी लोग, हमारे जिम्मेदार लोग आ रहे हैं और यूपी के काफ़ी लोग आ रहे हैं. कुछ बड़ा नेता आपने किसी को इन्वाइट नहीं? हमें किसी को इन्वाइट नहीं किया. मुझे बता दीजिए पूरे भारत में आपकी कितनी आबादी होगी? नियर अबाउट 202 मिलियन की पॉपुलेशन है मुसलमानों की, नियर अबाउट 10.65% हुआ. आबादी गल्ला मंडी, सब्जी मंडी, मछली मंडी से ताल्लुक रखती है, उससे हमारा कारोबार भी छीनने की कोशिश की जा रही है. हमारा जो पुश्तैनी कारोबार है गल्ला सब्जी फल मंडी बेचने का और काश्तकारी का, उसे भी छीनने का काम किया जा रहा है. अब हमारे हाथों से वो भी कारोबार निकलता जा रहा है, जिसके लिए हम लोग मजबूर हुए हैं अपनी कौम को मुत्तहिद करने के लिए. आज इसी सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, आप लोग आए, हमारी बातों को, हमें पूरी उम्मीद है आप सरकार तक और पूरे समाज तक लोगों को पहुंचाएंगे कि हम अब मुत्तहिद हो गए हैं. हम पिछले क्या हुआ मैं नहीं देखना चाहता हूं, लेकिन आने वाले वक्त में हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, हमारी कौम का मुस्तकबिल क्या होगा, इसे सुनिश्चित करना होगा. इसे आज ये शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई है, इसे हिंदुस्तान के जितने भी राज्य में हमारे संगठन मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, 12 राज्यों में, उन सब में हम ये राइन इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस कराने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त.